की करते हैं जहां फ्लिपकार्ट के ऑफिस में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। करीब 6 लाख रुपए लूटकर अपराधी फरार हो गए हैं। फिल्मी स्टाइल में अपराधियों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर ऑफिस में घुसे 6 लाख के करीब रुपए उठाए और फिर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, मोतिहारी में फ्लिपकार्ट ऑफिस में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिल्मी स्टाइल में आए अपराधियों ने बंदूक की नोक पर करीब 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। फ्लिपकार्ट के ऑफिस में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मेरा काम होता है यहाँ पे कैश कलेक्ट करना, तो एवरी जैसे हर रोज कैश लेते हैं वैसे हम यहाँ पे कैश ले रहे थे, और कैश ले रहे थे तब तक दो बंदे आए और एक बंदे का तो फेस खुला हुआ था और वो पिस्टल कान पर लगा दिए और अभद्र गाली देने लगे, और गाली देने के बाद में पूरा कैश जो भी था हमारा कलेक्ट था 5,67,000 मतलब 6 लाख के अप्रॉक्स था, वो सारे कैश ले लिए। मेरा कंपनी का लैपी का बैग था उसी बैग में डाल लिए, बैग भी मेरा पर्स में पैसे था वो लोग वो भी निकाल लिए, फुटेज में सारा कुछ दिख रहा है और लेके चले गए। तो करीब 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बंदूक की नोक पर अपराधी फ्लिपकार्ट ऑफिस में घुसे और वहां मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाकर उनसे 6 लाख रुपए जो करीब दफ्तर में मौजूद थे उसे लेकर आसानी से भाग निकले। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लूट की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। अपराधी लगातार एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती देते दिख रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर फ्लिपकार्ट ऑफिस में घुसकर वहां कर्मचारी को बंधक बनाया और फिर वहां मौजूद करीब 6 लाख रुपए लूटकर अपराधी चलते बने। पूरी जानकारी के साथ सहयोगी रंजीत जुड़ रहे हैं। रंजीत, 6 लाख रुपए की लूट की वारदात को बंदूक की नोक पर अपराधियों ने अंजाम दिया है, क्या कार्रवाई चल रही है, कैसे इस घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए? जी, हम बता दें कि एक फ्लिपकार्ट ऑफिस में लगभग कुछ अपराधियों के द्वारा घुस गया और उन लोगों को जो उसमें स्टाफ थे और मैनेजर थे उनको बंधक बनाकर और 6 लाख रुपया लेकर वहां से भाग गए। पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र देवराहा बाबा चौक की बताई जा रही है। जी, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है रंजीत? इस मामले पर जब सदर एसडीओ से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सूचना मिली और हम लोग घटना की जानकारी ले रहे हैं और खुद घटना स्थल पर पहुंचे हैं और वहां सीसी फुटेज चेक कर रहे हैं और बोल रहे कि इसी सीसी फुटेज के आधार पर ही अपराधियों ने लूट को घटना को अंजाम दिया है उनको छापेमारी कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी, धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए रंजीत।